राधे राधे जी। राधे राधे भैया। कहाँ से आए वो? हम आए हैं खरगोदा से। आप? लुधियाना, पंजाब। तो महाराज श्री का सत्संग सुनते हुए आपको कितना समय हो गया? करीबन एक साल। एक साल? तो एक साल में आपके जीवन में से क्या परिवर्तन आया? विषय विकार कम हो गए हैं, लाइन मिल गई है, जीवन में परिवर्तन काफी आ गया है। पहले भटके हुए थे, अब दिशा मिल गई है, मंजिल भी मिल जाएगी। काफी अच्छा महसूस हो रहा है, घर वालों को भी, घर में भी परिवर्तन हो गया है। अच्छा, आपके घर वाले भी सत्संग सुनते हैं? सारा परिवार इसे ही जुड़ा हुआ है, बाबा जी से ही जुड़ा हुआ है। अच्छा। हाँ, मेरे पिताजी भी जुड़े हुए हैं, मैं भी जुड़ा हुआ हूँ। पहले भगवान का नाम ही नहीं निकलता था मुँह से जी। अब हर समय भगवान का नाम ही चलता रहता है। बाबा जी का श्लोक है, कृष्णाय वासुदेवाय हरिये परमात्मने प्रणत क्लेश नशाय गोविंदाय नमो नमः, चलता रहता है। अच्छा। हाँ, आपको कितना समय हो गया? 6 महीने हो गया मुझे जुड़े को। तो 6 महीने में कुछ चेंजेस आया? जी बिल्कुल, विचारों में और एक रास्ता मिल गया कि चलना कहाँ है, किस पाथ में, किन विचारों को नहीं अपनाना, ये बहुत बदलाव आया। और घर में कोई भी समस्या होती है तो बाबा जी की वीडियो चला लेते हैं जी। किसी भी मुद्दे पे बात चल रही हो और हल मिल जाता है बड़े आराम से। और हाँ, ज़िंदगी में शांति है, सबसे अच्छी बात ये है, और सब अच्छा चल रहा है। तो क्या करते हैं आप? मैं डिजिटल मार्केटिंग का काम करता हूँ, ऑनलाइन एडवर्टाइजमेंट करता हूँ लोगों के लिए। अच्छा जी। तो फिर महाराज श्री से कैसे जुड़े आप? मैं ऑनलाइन ही मैंने देखा था महाराज श्री का सत्संग, और बातों में ही बहुत दम था, विचारों में। तो जो चीज़ें मुझे यहाँ पर खींच लाई, और मैं जैसे आपको बता रहा था कि मैं तीसरा मैंने कोशिश की जो यहाँ तक पहुँचा हूँ, नहीं तो पहले आया महाराज जी, लेट हो गया मैं आते आते। अब करते कराते तीसरा चांस है जो मैं रात भर जाग रहे हैं हम लोग, और मौका वैसे लाइन में खड़े थे। मैं 9 बजे 9:30 बजे के तकरीबन आ गया था यहाँ पे। अच्छा। तो जब आपने फर्स्ट टाइम महाराज जी का सत्संग सुना, तो ऐसा महाराज श्री के सत्संग में क्या देखा जिसके कारण आप महाराज श्री का सत्संग सुनना स्टार्ट किया? महाराज जी कहने को, महाराज जी मतलब साक्षात ही है हमारे लिए, तो ना साक्षात ही है। जैसे जीवन ही बदल गया, इतनी गलतियां थी ना जीवन में, सब तो सुधर गया। अब गलत करने का मन ही नहीं है। मैं 7 डेज ड्रिंकर था, मतलब अब दूर दूर तक भी सोच भी नहीं सकता कि जब तक जीवन है शायद मैं कुछ गलत करूं। बाबा जी कहते हैं जैसे गलत चीज है, जैसे गलत खाना, गलत पीना, अब गलत चीजों का ना मन नहीं करता, इच्छा ही नहीं होती। जीवन जैसे कहते हैं ना, सुधर सा गया, लाइन में आ गया, लाइन में आ गया है। अब जैसे ना पहले योग्यता महसूस नहीं होती थी, अपने अंदर ना गलानी महसूस होती थी जी। अब योग्यता महसूस होती है, अब अंदर महसूस नहीं होता कि हम गंदे हैं। तो आपके जीवन में इतना परिवर्तन आया, तो महाराज श्री को आप किस भाव से देखते हैं? साक्षात ही हैं, भगवान ही है हमारे लिए। तो हमने भगवान को नहीं देखा, मगर इनको देखा तो हमारे लिए ही भगवान है। तो फिर आज कैसे आना हुआ यहाँ पर दर्शन करने के लिए? बाबा जी ने बुलाया है, हम आ गए। कितने बजे लाइन में खड़े थे आप लोग? लाइन में मैं आ गया था 10 बजे, दिल्ली आ गया 10 बजे, वृंदावन आ गया था मैं 10 बजे से वृंदावन में हूँ और लाइन में लगा हुआ। पहली बार आ रहे? नहीं, मैं पहले कई बार आया हूँ। हाँ, राधे राधे। राधे जी। राधे राधे जी। राधे राधे जी। कहाँ से आए? हम दिल्ली से आए हूँ। आप? यू गोरखपुर से आए हैं। तो महाराज जी का सत्संग कब से सुन रहे हैं आप? पिछले 1.5 साल से सुन रहा हूँ मैं। आप? मतलब 1.5 महीना हो गया लगभग। 1.5 महीने? तो 1.5 महीने में ऐसा क्या बदलाव आया जिसके कारण आप रात में यहाँ पे रुके महाराज श्री के दर्शन करने? जैसे उन्होंने बताया था ब्रह्मचर्य का पालन करना, तो अब मतलब स्टार्ट हो गया था। तो सत्संग जैसे चालू किए हम देखना उनका, तो बता रहे थे नाम जपिए नाम। तो नाम जपते 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 एक बार क्या हुआ, मतलब रोने लगे अपने आप से। तो पुराना जितना गलतियाँ था तो उनको याद आने लगा। तो अब सोचे उसके बाद अब तो मिलना ही पड़ेगा, जैसे मतलब पढ़ाई भी डिस्टर्ब हो रहा था उससे, तो बार बार नाम जपते थे। तो बाबा साहब मिल के मतलब उसका हल पूछेंगे, मतलब ऐसा क्यों। तो क्या करते आप? मतलब विद्यार्थी एक तैयारी कर रहे हैं। यूपीएससी की? नहीं, मतलब जनरल कॉम्पिटिशन का। तो आपके जीवन में क्या परिवर्तन हुआ महाराज जी के सत्संग से?
महाराज जी के सत्संग से जो उन्होंने बोला कि नाम जप की जो महिमा है, जो नाम जपने से जो होगा आपके परिवर्तन, वो सबसे पहले आपके आंतरिक स्वभाव में वो परिवर्तन होगा। आपके जो अंदर जो आपके दोष छुपे हुए हैं, जिन्हें आप किसी एक चादर के अंदर ढके हुए थे, वो आप स्वयं दोष होने के तुरंत बाद आपको तुरंत महसूस हो जाएगी आपने ये गलत किया है, और उस पर अमल बहुत जल्दी आप करने लगोगे। ये नाम जप से पहला प्रभाव जो मुझे मिला है। दूसरा, मन जो कि चलायमान था, किसी भी नाम जपते समय यहाँ भटक रहा है वहाँ भटक, उसे एकाग्रता होने में, एकाग्र होने में बहुत मदद मिली है मुझे। और तीसरी ये चीज़ है कि सभी प्राणी भाव में, सभी प्राणियों में एक सम्मान, ईश्वर एक अंश, क्योंकि हम सब उसी के अंश है, ये चीज़ मुझे देखने को मिल रही है, जिससे मुझे उनके प्रति सम्मान प्रेम और बढ़ गया है। तो जब आपने फर्स्ट टाइम महाराज जी का सत्संग सुना, तो महाराज श्री के सत्संग में ऐसा क्या देखा जिसके कारण आप महाराज श्री का सत्संग सुनना स्टार्ट किया? महाराज जी के सत्संग में सबसे जो मुझे अच्छी चीज़ लगी कि वो किसी बहुत बड़े और विकट विकराल रास्ते को नहीं बताते, वो सरल रास्ते को बताते हैं जिससे आप अपने जीवन में परिवर्तन कर सकते हैं, और ये परिवर्तन आप पहले दिन से ही कर सकते हैं। इसके लिए कोई विशेष तैयारी की ज़रूरत नहीं है, कुछ ब्रह्मचर्य, कुछ खान पान, कुछ नियम कायदे से अपने आप को व्यवस्थित करना है और चल देना है। इसके लिए कोई आपको साधन विशेष पूजा पाठ की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ भगवत भजन, नाम जप, यही करना है। तो जब जब महाराज श्री का सत्संग सुनते हैं तो मन में क्या भाव आता है? बस ये पहली बात, उनका आवाज़ एक ऐसा है, मतलब लगाने पर जैसे लगता है ऊपर से कुछ आवाज़ आ रहा है ऐसा, मतलब वाइब जैसे नहीं होता था तो, मतलब उसके बाद नाम जप देते मतलब कॉन्सेंट्रेट भी होता था, जैसे बताया नहीं, मतलब अपनी गलतियों का एहसास होना पुराना, फिर वही गलती का एहसास होने लगा मैंने क्या क्या गलती किया है। तब उसके बाद से मतलब सुबह मैंने ट्रेन पकड़ा, जस्ट आया बस यहीं पर, बस मतलब हो जाए भगवान जी का दर्शन बस। तो महाराज श्री क्या क्या बातें आपको सबसे प्रिय लगती है? मतलब यही, मतलब सत्य पे चलो बस, आप कुछ भी गलती मत करिए आप एक तरीके से। अच्छा, तो आज फिर यहाँ पर कैसे आना हुआ? मैंने कल भी दर्शन किए थे, लेकिन कल मैं थोड़ा सा लेट आ पाया था, तो महाराज जी के दर्शन और उनके सत्संग मैंने बाहर बैठ के किए थे। मैंने उनके दर्शन की लालसा और जागृत हुई, तो मैंने अपने आप को आज वृंदावन के लिए और रोका। कितने बजे से लाइन पे खड़े थे? शाम को 7 बजे से। राधे राधे। राधे राधे। राधे राधे जी। राधे राधे जी। कहाँ से आए? उत्तराखंड में, बागेश्वर से। अच्छा, तो महाराज जी का सत्संग सुनते हैं? जी सुनते हैं, यूट्यूब में सुनते हैं, अभी 5-6 महीने हो रहे, ज़्यादा भी समय नहीं हो रहा, और 3 महीने हो गए हैं, नशा त्याग कर दिया है और नॉनवेज ये सब चीज़ें त्याग दी हैं। अच्छा। तो चेंजेस आ रहे हैं अभी और चेंजेस की उम्मीद है। आपके जिन में कुछ चेंज आया? जी जी, मेरे इसमें जो मेरे अंदर की हवस है वो बहुत कम हो चुकी है, और मैंने भी नॉनवेज खाना छोड़ दिया, करीब 2 से 3 साल हो गए। उससे पहले मैं हर रोज नॉनवेज खाता था, बॉडी बनाने के लिए बोलते हैं ना चिकन ब्रेस्ट खाओ, उसके बिल्कुल जैसे बाबा जी को सुन रहा हूँ मैं, ये बिल्कुल छोड़ दूँ। क्या करते हैं आप? मैं टीचर हूँ। आप कहाँ से? राधे राधे, हम आए हैं ग्वालियर से। क्या करते हैं आप? मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ। तो यहाँ पर महाराज जी के दर्शन के लिए रुके हैं क्या? हाँ, स्पेशली इस बार हमारा मतलब मेन पर्पज़ था कि बांके बिहारी लाल के अलावा ये मेरे फ्रेंड्स वगैरह भी हैं, ये बहुत फॉलो करते हैं हम लोग उनको, तो इसीलिए हमारा ये मेन पर्पज़ था कि इस बार हम महाराज जी के हमको दर्शन मिल जाएं। तो महाराज जी के सत्संग से आपको क्या क्या मोटिवेशन मिलता है? लाइफ में बहुत मोटिवेशन मिल रहा है, और अगर वो जो चीज़ें बता रहे हैं अगर वो हम अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करें तो हम ऑब्वियसली एक बहुत ही बेटर पर्सन बन के बाहर निकलेंगे, कभी कोई गलत काम नहीं करेंगे इस जीवन में। तो अब धीरे धीरे उनको फॉलो कर रहे हैं और लाइफ में विजिबल चेंजेस बहुत अच्छी तरीके से दिखाई दे रहे हैं। और बाकी नॉनवेज और नशा तो करती ही नहीं है, तो फिर वो छोड़ने की कोई बात ही नहीं थी। बाकी हाँ, वो इस ये बात नॉनवेज या नशे की नहीं है, बात यहाँ पे ये है कि वो जो आपको जीवन जीने का जो तरीका सिखा रहे हैं, अगर आप उसमें से 10% भी अगर हम अपने जीवन में इम्प्लीमेंट कर दें तो इंसान बन जाएंगे।
आपकी जिंदगी में कुछ बदलाव आया? हाँ, कई बदलाव आए, जैसे महाराज जी के सत्संग सुने और चीज़ें भी देखी तो लाइफ में चेंजेस आए, बहुत चीज़ों को देखा समझा, बहुत चीज़ों ने महाराज जी की जानकारी बताई, तो वो बहुत चीज़ें भी पाया। तो ऐसा महाराज जी के सत्संग में क्या देखा जिसके कारण आप महाराज जी के सत्संग सुनना स्टार्ट किया? नहीं, कितने सारे उनके मेरे कल हैं आपको बताने की ज़रूरत नहीं है, तो ऐसे पता चला कि दिस इज़ नॉट मेडिकली पॉसिबल कि एक इंसान जिसकी जो दो किडनी फंक्शन नहीं कर रही है और वो इतने साल से और वो अभी भी पूरे दिन ऐसा नहीं आराम करते हैं कुछ, वो पूरे जैसे अभी रोज इतना पैदल चलते हैं, उसके बाद पूरे टाइम बैठे रहते हैं भक्तों को ज्ञान देने के में, जितना जीवन सिखा सकते हैं जीवन अच्छे ढंग से जीना उतना वो अभी भी कर रहे हैं, तो वही जीता जागता मतलब मिरेकल है, एट वंडर ऑफ द वर्ल्ड है। ठीक है, तो और इससे ज़्यादा क्या मतलब मैं बताऊँ आपको, और सिर्फ वही राधा रानी मतलब वो, और वो हमेशा कभी ना खुद किसी चीज़ का खुद क्रेडिट नहीं लेते, वो हमेशा बोलते हैं कि जो भी है राधा रानी, कोई बोलता है कि आप बहुत मतलब मोटिवेशनल बातें करते हो कैसे आप में, क्योंकि मैंने एक सत्संग सुना था उसमें किसी ने उनसे प्रश्न पूछा कि आप ऐसी मोटिवेशनल बातें करते हो तो आप कहाँ से आपके मन में बातें आती, तो बोलते हैं अरे नहीं मैं तो कुछ नहीं करता, मेरे अंदर जो राधा जी बैठी हुई है, राधा जी बैठी हुई है वो ये सब बातें मेरे से करवाती हैं। राधे राधे जी। राधे राधे जी। कहाँ से आए आप? जी हम अलवर राजस्थान से आए। आप? अलवर राजस्थान। क्या करते हैं आप? मैं CRPF में हूँ सर। CRPF में। आप? जी मैं टीचर की तैयारी कर रहा हूँ। तो यहाँ पर फिर कैसे आना हुआ महाराज श्री के दर्शन करने? आज महाराज श्री के दर्शन करने की बहुत दिनों से इच्छा थी और तकरीबन साल भर से महाराज जी को सुन रहे हैं। 3 महीने के लिए एक बार कश्मीर में पोस्टेड हुए थे, तब बहुत मतलब शुरुआत में महाराज जी के प्रवचन सुनने लगे थे, तो जो महाराज जी ब्रह्मचर्य के बारे में बताते हैं, सुख और दुख की जो व्याख्या करते हैं कि बीच की एक स्थिति होनी चाहिए, भगवदानंद स्थिति होती है जो सुख और दुख से परे है, जैसे तो जैसे सुख में सुख का अनुभूति नहीं करना, दुख में दुख की अनुभूति नहीं करना, एक ऐसी स्थिति जिसमें आनंद ही आनंद हो, तो वो कहीं ना कहीं नाम जब से प्राप्त होने लगी है, तो इस वजह से महाराज जी की तरफ आकर्षण बढ़ता चला गया और इस वजह से दर्शन की तो बहुत दिनों से इच्छा थी। अभी पिछला 20 तारीख को भी हम लोग आए थे, तब वापस जाना होगा क्योंकि महाराज जी उधर से निकले नहीं, तब तो हम परिक्रमा मार्ग में ही थे, तो आज सौभाग्य से यहाँ आना का प्राप्त हो गया। आप कब से सुन रहे सत्संग? मुझे 2 महीने हो गए। और तो 2 महीने में क्या बदलाव आया है आपके जीवन में? पहला तो देखो सबसे बड़ा बदलाव ये है कि जीवन का जो परम उद्देश्य है वो मिल गया, कि हमें हमारा जो तत्व है इसको परम तत्व में विलीन होना है। उसके बाद जो वो ब्रह्मचर्य के ऊपर जो उपदेश देते हैं उसका समझ में आया कि ये खिलवाड़ नहीं है, संयम से रहना है। उसके बाद वो व्यायाम पर जोर देते हैं कि हमें नित्य व्यायाम करना चाहिए, वो मैं ब्रह्म मुहूर्त में उठता हूँ और व्यायाम करने जाता हूँ, ये पक्का है मेरा 2 महीने से। उसके बाद मैं महाराज जी का सत्संग नित्य सुनता हूँ और एक मेन जो बदलाव मुझे लगता है कि मतलब संतों के दर्शन से कुछ ना कुछ ऐसा मिलता है, कुछ एक प्रभाव तो रहता है। इसके लिए मैं आपकी बार दूसरी बार आया हूँ यहाँ पे महाराज जी से मिलने। इससे पहले मैं गुरु पूर्णिमा वाले दिन आया था, उस दिन उनके मैंने परिक्रमा मार्ग में दर्शन किए थे, आज यहाँ अंदर आने का सौभाग्य मिला, तो कई बदलाव आए छोटे बड़े। तो जैसे कि आपने कहा कि आपके जीवन में 2 महीने में इतना परिवर्तन आया, तो जब आपने फर्स्ट टाइम महाराज जी का सत्संग सुना तो महाराज जी के सत्संग में ऐसा आपने क्या देखा जिसके कारण आप महाराज जी के सत्संग में इतना आकर्षित हुए और आपके जीवन में इतना परिवर्तन आया? महाराज जी का जो स्वभाव है और जो उनकी सरलता है, मतलब किसी भी बात को जो हमारे जो दैनिक जीवन में जो घटनाएं घटती हैं वो उनसे संबंधित उदाहरणों को लेके आते हैं और उस उदाहरण से जब समझ में आते हैं तो समझ में आता है, मतलब वो शास्त्र की गहराई हमें नहीं समझाते, वो एक बड़ी साधारण से जो उदाहरण है उनके जरिए समझाते हैं जिससे हम जल्दी कनेक्ट कर पाते हैं उनसे, तो ये कारण है उनकी तरफ आकर्षण बढ़ने का। कई बार होता है ऐसा है कि जैसे हमारे जीवन में रोज़मर्रा की समस्याएं होती हैं छोटी मोटी, कहीं ना कहीं संकोच होते हैं जीवन में, तो महाराज जी के प्रवचन में क्या है कि मतलब हमें ना पूछे, अब जैसे कि हम लोग प्रश्न नहीं पूछ पाते, लेकिन जैसे एकांतिक वार्तालाप और दूसरों के प्रश्नों में हमें अपने उत्तर मिल जाते हैं तो बहुत संतुष्टि मिलती है उससे, तो इस प्रकार राधा नाम में मतलब बहुत ज़्यादा आसक्ति होती चली जा रही है। जैसे कि आपने कहा कि आप CRPF में हैं, तो प्राय ऑन ड्यूटी रहते हैं आप जी, जी। तो कब कब महाराज जी का सत्संग सुनते हैं? जी लगातार यूट्यूब पे तो एकांतिक वार्तालाप सुनते ही हैं हम लोग,
और मेरे साथ वाले भी बहुत से जुड़े हुए हैं, उनके थ्रू भी मुझे शुरुआत में पता लगा था। तो उसके बाद जैसे धीरे धीरे हम लोगों को जैसे घर से दूर रहने का ज़्यादा रहता है, तो ज़्यादा मतलब एक दिमाग की स्थिति शांति की तरफ और मतलब अपना जो लक्ष्य है वो दोनों ही हम लोग अच्छे से निभा पाते हैं। जैसे कि महाराज जी कहते हैं कि सैनिक भी जो होते हैं वो भी मतलब हमारी तरह एक तरह से साधु वाली स्थिति में ही रहते हैं, जो घर से दूर भी रहते हैं और जो हम जैसा मतलब मार्ग पे चल रहे हैं वो अपने मार्ग पे चल रहे हैं, इस प्रकार से मतलब जुड़ा हुआ महसूस करते हैं महाराज जी से। और वही है जैसे एकांतिक वार्तालाप में हर प्रश्न का उत्तर मिलता है और रोज एक से एक बात मतलब अपनी क्लियर होती चली जाती है, मन में कोई संशय विकार कुछ नहीं रहता। तो जब जब महाराज श्री का सत्संग सुनते हैं तो उनको देखते हैं तो मन में क्या भाव प्रकट होता है? मन में तो यही होता है कि साक्षात किशोरी जी हैं महाराज जी बस। पर यही है कि पहली बात तो क्या है कि उनकी हर एक बात जो है मतलब हर एक जुड़ी हुई महसूस होती है, सब कुछ सरलता से बताते हैं वो, उनका एक एक वाक्य उनके एक एक वचन जो है, क्योंकि हम लोग क्या है कि जैसे जैसे हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी से छोटी छोटी बात जो हम संकोच में डाल देती है कि ये करें या ना करें, तो वो सब हमें पहले से क्लियर रहता है कि हम जैसे चाहें जैसी स्थिति में हैं हमको जहाँ पे जैसा मिल रहा है उस भाव से मतलब राधा नाम जप करो, भगवान के प्रति आसक्ति बढ़ाओ, तो उस प्रकार का मतलब एक अलग ही लगाव और एक आत्मसंतोष है जीवन में, मतलब जो सुख दुख की स्थिति से परे एक परम संतोष की अनुभूति होती है वो है। तो आपने जैसे कि बताया कि आपके 2 महीने में इतना परिवर्तन आया, तो महाराज श्री को आप किस भाव से देखते हैं? मैं महाराज जी को गुरु भाव से देखता हूँ, मतलब जीवन की हर समस्या का समाधान उनके पास है, कोई ना कोई बात जैसे भैया ने बताया कोई ना कोई बात है जो हमारे जो संकोच की रहती है वो निकल ही आती है उनके सत्संग से, तो मैं उन्हें गुरु भाव से देखता हूँ बस। तो आज फिर कैसे आना हुआ यहाँ पर दर्शन करने के लिए? मैं जब पिछली बार यहाँ पे आया था तो मैंने इनसे ये शेयर किए मेरे साथ किए, तो इन्होंने मुझसे कहा कि इस बार मेरी भी हृदय की आकांक्षा है और मेरे भी मन में था कि मैं फिर से महाराज जी के दर्शन करूं, तो दोनों का साथ विचार बना और हम सीधे चले आए। अच्छा ये जी राधे राधे जी। राधे राधे महाराज। कहाँ से आए? सर मैं CRPM में जॉब करूँ, जम्मू से आया हुआ हूँ, लेने वाला हाथरस डिस्ट्रिक्ट शंदराव से हूँ मैं, जम्मू कश्मीर से जी। तो आप कब सुन रहे सत्संग? जी मैं लगभग 4 वर्षों से सुन रहा हूँ। 4 वर्षों से? हाँ जी। तो जीवन में कुछ परिवर्तन आया? जी हाँ बिल्कुल, जीवन में परिवर्तन आया है, जीवन में एक देखने की दृष्टि ही बदली है। महाराज जी को सुनने के बाद में ऐसा लगा है कि मनुष्य जो ये रात और दिन धन अर्जन के लिए और जीवन की आपाधापी में लगा हुआ है वो तो बिल्कुल ठीक है, उसे एक अपने लिमिट में करना चाहिए, लेकिन मुख्य परमात्मा से प्रेम, भगवत प्रेम, किशोरी जी के नाम जप इत्यादि में लगने से ही मनुष्य जीवन की सार्थकता संभव हो पाएगी, ये देखने की दृष्टि महाराज जी के प्रवचनों से संभव हुई है। जैसे कि आपने कहा कि आप CRPF में है और जम्मू कश्मीर में आपका ड्यूटी है, तो फिर जम्मू कश्मीर से यहाँ पे फिर कैसे आना हो? कब से महाराज जी का सत्संग सुनना स्टार्ट किया? 4 महीने से यूट्यूब से द्वारा ही सुन रहा था, लेकिन अभी मैं छुट्टी लेकर के स्पेशली महाराज जी के लिए आया था कि मुझे वृंदावन जाना है, महाराज जी का सत्संग सुनना है। मैं कल भी आया था, कल भी सत्संग सुन के गया था पूरे दिन, फिर आज बैठ गया परिक्रमा लगा करके, फिर अभी 2 बजे से, चूंकि हमें कल नंबर नहीं मिला था बाहर ही बैठे रहे थे, तो इसलिए हमें अंदर बैठने महाराज जी के पास दर्शन करने की इच्छा थी, इसलिए हम आए थे। और जब से नाम के प्रति महाराज जी ने बताया कि नाम ही एक ऐसी चीज है जो आपके अच्छे और बुरे कर्म दोनों ही काटते हैं, हम जो भी कर्म करते हैं वो हमें भोगने के लिए आना पड़ता है, लेकिन भगवान बाबा जी कहते हैं कि जो नाम आप जप करोगे वो से तुम्हारे दोनों कर्म कट जाएंगे। तो हमें भोगने वाली जो कहानी है, जो हम धन अर्जन के चक्कर में या जो परिवार के चक्कर में, अपने रिश्तेदारों के चक्कर में, मित्रों के चक्कर में जो हम लगे रहते थे 24 घंटे, वो इतनी टेंशन अब नहीं रही, जैसे लगता है कि भगवान का नाम जप करेंगे उसी से हमारी शांति होगी, जो हम यहाँ पर जितने कर्म करते रहेंगे वो उतने हमारे काम नहीं आएंगे। जैसे कि आपने कहा कि आप CRPF में है, आप CRPF में होते हुए भी इतना मतलब आपके जीवन इतना भक्ति में, फिर ये सब कैसे हुआ, ये सब प्रेरणा कहाँ से मिली आपको? ये जब से नाम, जब महाराज जी के नाम की जब की सुननी कथा सुनी, जब से उससे पहले तो जो पूजा पाठ हुआ तो बस वही देखते रहते थे, वही करते रहते। वैसे मेरी ड्यूटी CRPF शिवखोड़ी मंदिर पर है इस टाइम पर,
तो वहाँ से भी मतलब भक्ति भाव देखते रहते थे, लेकिन नाम जप की जो महिमा है वो महाराज जी के मुंह से मतलब। जैसे कि आप देखते होंगे महाराज श्री से मिलने काफ़ी अपने जो देश में सेवा में रहते और वो देश के जवान लोग भी आते रहते, और महाराज जी को बहुत प्रिय लगता है कि जो अपने देश सेवा में है, तो महाराज जी के सत्संग से आपकी देश सेवा में रुचि बढ़ती है। बिल्कुल, अपने कर्तव्य के प्रति निष्ठा बढ़ती है, अपने कर्तव्य तो मतलब अगर हम 100% ड्यूटी नहीं करते तो कम से कम 90% ड्यूटी करनी चाहिए, 90 नहीं तो 80% तो ड्यूटी करनी चाहिए। सीधी सी बात है, हमें जो ड्यूटी दी हुई है वो चुपचाप हमें करनी है, और महाराज जी ने बताया कि आप जो ड्यूटी भी करते हो वो भी आपकी सेवा में आती है, वो भी श्री जी को समर्पित दे। तो मैं जैसे ही ड्यूटी के लिए जाता हूँ तब भी श्री जी को समर्पित कर देता हूँ, और आने के बाद में कहता हूँ कि मैंने जो कर्म किए, अगर मुझसे कोई गलती हुई है लाइन लगाने में या जनता को कंट्रोल करने में हुई है, तो उसके लिए भी मैंने अपने मन से नहीं की, लेकिन मुझे व्यवस्था बनाने के लिए सब कुछ करना पड़ा, तो उसमें से कोई गलती हुई है तो उसे क्षमा करें, और मुझे जो भी कर्म थे वो आप स्वीकार करें। सीधी सी बात है, मुझे इतनी बुद्धि तो है नहीं है कि मैंने सही किया कि गलत किया, लेकिन कभी कभी थोड़ा कठोर व्यवहार करना पड़ता है कि पब्लिक को हमें कंट्रोल करने के लिए। सीधी सी बात है। अच्छा, जैसे कि आपने कहा कि आपके जीवन में इतना मतलब आप सीएफए में होते हुए इतना परिवर्तन, तो जब आपने फर्स्ट टाइम महाराज जी का सत्संग सुना तो ऐसा महाराज श्री के सत्संग में आपने क्या देखा जिसके कारण आप महाराज श्री के सत्संग से इतना लगाव हुए और इतना आकर्षित हुए? सबसे ज्यादा जो महाराज जी जो क्वेश्चन आंसर करते हैं ना, तो उसमें बहुत सारे क्वेश्चन मेरी जिंदगी से जुड़े होते हैं, जो मेरे दिमाग में चलते रहते हैं कि इनका क्या अर्थ होता है, तो वो ऐसे क्वेश्चन अपने आप ही यहाँ पर लोग रखते रहते हैं, तो वो उनके द्वारा वो जो क्वेश्चन आते हैं ना, तो वो हमारी ज़िंदगी में बहुत मतलब हमारे के हमें अगर जैसे कोई कर्म करना है तो उसको हम सही हुआ कि नहीं हुआ। जैसे पहले मुझे बहुत टेंशन रहती थी कि यार ड्यूटी जाना है, ड्यूटी कभी कभी मुझे सोशल कंट्री ड्यूटी करनी पड़ जाती है सीधी सी बात है, तो मुझे लगता है अब ये ड्यूटी ही है तो नाम जब तो हो ही नहीं पा रहा है, या सिर्फ ऐसे ही मन ही मन में, तो मैं फिर खड़े होकर कर सकता है, मुझे ये नहीं लगता कि एक जगह बैठ के माला जपनी है क्या करनी है, अपनी ड्यूटी करते करते भी खड़े खड़े मैं मन के द्वारा जप कर सकता हूँ। सीधी सी बात है, ये मुझे सबसे मतलब प्रिय लगा। सीधी सी बात है, तो आप महाराज श्री से क्यों जुड़ना चाहते हैं? जी, मैं महाराज जी से इसलिए जुड़ा हुआ हूँ और इसे जुड़ा रहना चाहता हूँ क्योंकि एक भगवत प्राप्त महापुरुषों की श्रेणी में महाराज जी हैं, तो महाराज जी ने बताया भी है प्रेम रस की प्राप्ति इसी प्रकार से संतों के संग से, अच्छे साधकों के संग से होगी, तो बस यही कारण है यहाँ से जुड़ा रहना, और मेरा बस यही कारण है। पहली बार आ रहे हैं? जी नहीं, मुझे लगभग 4 वर्ष हो गए। पहले जब मदन टेर में सत्संग चलता था उस समय मैं आता जाता रहता था अपने गांव से सोजत से, और इस बार अब थोड़ा एक लंबे ब्रेक के बाद आना श्री जी की कृपा से संभव हुआ है। राधे राधे। राधे राधे राधे। कहाँ से आए? मैं दिल्ली से आया हूँ। आप? झांसी से। झांसी से? झांसी से। हाँ, तो दिल्ली से यहाँ पे महाराज जी दर्शन करने आए? मैं अक्सर वृंदावन आता रहता था, लेकिन जब से मैंने महाराज जी को सुना है मेरे मन में एक इच्छा ये आई थी कि मैं एक बार साक्षात एक महापुरुष के दर्शन करके अपने जीवन को कम से कम कुछ सार्थक बना लेता हूँ। हालाँकि मैं बहुत जगह जाता हूँ, इंडिया में बहुत सी जगह जाता हूँ, बहुत जगह प्रवचन सुन के मेरे को एक शांति मिलती और उसको मैं अपने अंदर उतारना चाहता हूँ, और अपने अंदर ही नहीं बल्कि जो भी मेरे जानकार रहते हैं कुछ भी होते हैं उनको मैं कुछ ऐसी चीज़ें जो वह मेरे जहन में आ जाती है वो बताता हूँ मैं। और आज मैं आया, एकदम से मेरा प्रोग्राम बन गया था, बनते बनते ऑफिस से छुट्टी हुई, कुछ आइडिया नहीं था, टिकट भी मिल गई, सब कुछ हो गया, रास्ते में भी आ गया, बैठ भी गया, और आज मेरा सौभाग्य होगा या गुरुजी की कृपा और भगवान की कृपा होगी, राधे राधे की कृपा होगी कि मैं आज उनके दर्शन करने के लिए अपने आप को भाग्यशाली मनाऊंगा। और कुछ जो चीज़ें हैं, आज मैं एक ऐसी स्टेज में हूँ कि मेरी जिम्मेवारी ऑलमोस्ट ख़त्म होने वाली, बच्चों की शादी की स्टेज पे आ चुका हूँ, सर्विस कंप्लीट करने वाला हूँ, लेकिन इसके साथ साथ कम से कम गुरुजी के जो प्रवचन है ना उनको मैं अपने अंदर धारण करके, और मेरे को बड़ी मन में शांति मिलती है, सुकून मिलता है। तो महाराज श्री के सत्संग में से आपने क्या देखा जिसके कारण आप महाराज श्री का सत्संग सुनना स्टार्ट किया? महाराज जी के सत्संग में मैंने एक चीज़ देखी जो आज की रियलिटी हैगी कि भी एक्चुअल है क्या। लोग बहुत दुखी हैं, मन दुखी है, परेशान है, सब कुछ है, लास्ट मोमेंट में भगवान का नाम लेते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। दुखी तो
दुनिया के अंदर सभी लोग हैं, भगवान भी दुखी थे, लेकिन सबसे बड़ी बात ये है हमें उनके प्रवचन से एक मोटिवेशन ये मिलती है कि हाउ टू प्रेजेंट अवर सेल्फ इन द सोसाइटी। पहले ये, नंबर दो ये कि भगवान का नाम केवल एक आखिरी अवस्था में नहीं लेना चाहिए, ईश्वर का नाम अगर आप शुरू से लोगे तो वही संस्कार आपके परिवार के अंदर, बच्चों के अंदर भी आएंगे। ये मेरी एक सबसे बड़ी चीज़ मैंने देखी है। और दूसरी चीज़ है कि मैं एक कंपनी में सीनियर मैनेजर हूँ, लेकिन हम अपने आप को प्रेजेंट नहीं कर पाते कुछ लोगों के सामने। उनसे एक ये भी चीज़ मिलती है कि आज आपकी प्रोफेशनल लाइफ में आपने सब काम करने हैं, काम भी करना है, गृहस्थ भी दिखाना है, सब कुछ करना है, लेकिन आपको आपकी आस्था क्या है, आप किस मन से किसी के विचारों को अपने अंदर ला सकते हो या अपनी बात किसी के सामने कैसे रख सकते हो। ये चीज़ें मेरे को उनसे बहुत अच्छी मिली जो मेरे अपने जीवन के अंदर मैं इस स्टेज में आके उतारने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं महान तो नहीं बन सकता, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि मैं अपने अंदर उतारने की कोशिश करूँ। दुखी है आदमी, बच्चे बात नहीं मानते, ये नहीं मानते, ये सब चीज़ें कुछ नहीं है, ये हमारे अपने कर्म हैं जो गुरु जी भी बताते हैं, हमारे प्रायलब्ध हैं जिनको हम भुगत रहे हैं। कम से कम जो हमने पिछला कर्म कोई भी करा है, कैसे भी करा है, अब कुछ हम अच्छा करके तो उसको बैलेंसिंग बना सके, यही मेरी है। इसी के साथ मैं राधे राधे बोलना चाहूँगा और मैं यही चाहूँगा कि गुरुजी के वचन को सुने, अपने जीवन में उतारें, गुरुजी के अपने वचनों को सुने, अपने जीवन में उतारें और मन को शांत स्वभाव करके हर तरह की प्रॉब्लम को फेस करें। यही मेरी राधे 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 राधे। राधे राधे। राधे राधे जी। कहाँ से आए आप लोग? मैं अयोध्या गोंडा क्षेत्र से आया हूँ। आप लोग? भोपाल से आए जी। भोपाल से जी। तो महाराज जी का सत्संग आप कब से सुन रहे हैं? मैं अभी 2-4 महीने से सुन रहा हूँ। अभी इंस्टाग्राम के माध्यम से मैंने देखा महाराज जी के श्रीमुख से जी सत्संग सुना जी। और तब से सुन रहा हूँ और आज उनके दर्शन हेतु आया हूँ। तो महाराज जी के सत्संग से आपके जीवन में से क्या परिवर्तन आया जिसके कारण आप रात्रि में यहाँ पर रुके महाराज जी के दर्शन करने के लिए? बहुत से परिवर्तन आए। उनके सत्संग सुनने से मन बहुत शांत रहता है। कभी कभी ऐसा होता है जीवन में जो बहुत सी ऐसी कठिनाइयाँ आ जाती हैं जिससे हम बहुत अशांत हो जाते हैं, तो उनके वाणी से जो भी शब्द निकलते हैं उसको सुनने से हमें जीवन में आगे कैसे उन दुखों से कैसे झेला जाए उसके लिए प्रेरणा मिलती है जी। तो आपके जीवन में कुछ बदलाव आया? जी, हमारे जीवन में बहुत सारा बदलाव आया है जी। एक तो हम भक्ति मार्ग की ओर आगे बढ़ गए हैं जी। राधा नाम का लिखित जाप भी करते हैं और दिन भर राधे राधे का स्मरण करते हैं जी। हैं, माला करना शुरू कर दिया है। पहले माला नहीं करते थे, अब सुबह शाम माला करते हैं और 24 घंटा भगवान राधे का नाम लेते हैं। उठते बैठते खाते सोते जागते हर वक्त राधा। यहाँ तक हमारी धर्म पत्नी बच्ची भी अभी उठ गई होगी, वो 4 बजे रात में उठ जाती है और कम से कम 27-28 माला करती है। अच्छा जी, पूरा परिवार सुनते हैं जी। पूरा परिवार महाराज जी का सत्संग सुनता है। हमारे यहाँ सुबह से टीवी यूट्यूब चालू हो जाता है और शाम को सोते 11-12 बजे रात तक महाराज जी का ही प्रवचन देखते हैं, बाकी कोई अन्य दूसरा प्रोग्राम नहीं देखते हैं। अच्छा जी, तो फिर महाराज श्री से कैसे जुड़े आप लोग? महाराज जी का ये यूट्यूब से जुड़े हम। हाँ, टीवी में देखा, हमारे बेटे ने बताया। पहले महाराज जी का हम प्रवचन नहीं सुनते थे, लेकिन बेटे ने बताया कि इनके प्रवचन सुनो, जब से हम महाराज जी का सुनते हैं। तो जैसे कि आपने कहा कि आप अयोध्या से आए हैं महाराज जी के दर्शन करने के लिए,
तो जब आपने पहली बार महाराज जी का सत्संग सुना तो महाराज जी के सत्संग में से आपने क्या देखा जिसके कारण आप महाराज जी का सत्संग सुनना स्टार्ट किया? आपको बताऊं तो मैं सत्संग नहीं सुनता था, निर्माता जी की प्रेरणा से मैं सुनता हूं। और निर्माता जी ने मुझे इंस्टाग्राम के माध्यम से मुझे बताया कि आप इनका भागवत कथा सुनिए और मन जैसा आपका शांत रहता है वो शांत रहेगा। जो भी कठिनाइयाँ जीवन में है उनके वाणी से जो भी सत्संग निकल आता है उससे मन शांत होगा, उससे आपको जीने की जीवन जीने की प्रेरणा मिलेगी। राधे राधे जी। जय श्री राधे महाराज जी। कहाँ से आए? अयोध्या से। अयोध्या से? जी जी, श्री राम जन्मभूमि अयोध्या। आप? एमपी छतरपुर से। तो अयोध्या से फिर वृंदावन कैसे आना होगा? वृंदावन बस महाराज जी का सत्संग वो इनका सुनते थे, श्रवण करते थे, बस अचानक बस प्रोग्राम बन गया कि महाराज जी के दर्शन करने हैं इनके, क्योंकि इनके बाड़ी से मैं इतना मनमोहक हो गया, इतना मैं प्रभावित हुआ कि इनका मैं दर्शन करने के लिए आतुर हो गया। अच्छा जी, तो जीवन में कुछ परिवर्तन हुआ? जी बहुत परिवर्तन हुआ जीवन में, सब बहुत परिवर्तन हुआ कि फालतू चीज़ों के लिए हमें मोहमाया नहीं करना चाहिए, हमें ईश्वर में ध्यान लगना चाहिए। और जीवन की सच्चाई है कि जीवन में कोई किसी का नहीं है, बस ईश्वर हैं सभी के, भगवान के सारे, जो राधे रानी सारे हो आपका सभी का कल्याण हो जाएगा। जी, आप कब से सुन रहे हैं सत्संग? 4 महीने से सुन रहे हैं। जब से सत्संग सुनना चालू किया है, जब से मन को शांति, बुरी चीज़ों पे भटकना जैसे और चीज़ें काम जो बताया है गुरुजी ने, कोई चीज़ वासना से अपनी पूर्ति नहीं होती है। मन की शांति के लिए आपको भगवान के शरण में जाना ही पड़ेगा। जैसे उन्होंने राधे नाम दिया है, जब से राधे राधे नाम रटना चालू किया है तब से मन को बहुत शांति मिली है। तो आप राधे नाम जप करते हैं? हाँ करते हैं, राधे नाम जप करते हैं। और क्या व्यवसाय करते हैं? जनरल स्टोर का काम करते हैं, होलसेल हमारा मतलब कॉस्मेटिक का काम है। तो महाराज श्री से आप क्यों जुड़ना चाहते हैं? महाराज श्री से जब से जुड़े हैं, जब ही से हमें मन को शांति मिलना था, भटके तो हते ही, महाराज जी नहीं होते तो हम भटके ही थे। नहीं, तो ऐसा क्या देखा महाराज श्री के सत्संग में जिसके कारण आप महाराज श्री से जुड़े? जैसे एक शरीर को आत्मा की जरूरत जैसे होता है, या शरीर मतलब गुरु जी को हमने ऐसा देखा कि गुरु जी अपने भगवान ही हैं इस तरीके से। अच्छा हाँ, तो आज फिर कैसे आना हो यहाँ पर? आज गुरु जी से मिलने मतलब दर्शन के लिए आए हैं, अभी तक वृंदावन नहीं आए हम, पहली बार वृंदावन आए हैं, बस गुरु जी के लिए आए हैं। राधे राधे। राधे राधे। राधे राधे जी। राधे राधे। कहाँ से आए? हम बुंदेलखंड के हमीरपुर पड़ता है, कानपुर के पास में, वहाँ से आए हुए। आप? मध्य प्रदेश से इटारसी के पास, हरदा से। तो यहाँ पर महाराज जी के दर्शन करने आए, विशेषता? जी, विशेषता तो यही है कि मेरा पहला जो कार्य था वो यही है कि महाराज जी के मुझे बहुत अच्छे से दर्शन हो और एकांत वार्तालाप की भी बहुत इच्छा है। तो अभी तक महाराज जी के सत्संग से जीवन में कुछ परिवर्तन आया? जीवन में बहुत उतार चढ़ाव चल रहे हैं, हालांकि एज बहुत कम है, लेकिन पढ़ाई के साथ साथ जीवन में जो मेरे रिश्ते भी हैं वो भी बहुत सुधरे हैं। और जो मेंटली जो मैं स्ट्रेसफुल जो सिचुएशन फेस कर रहा था वो राधा नाम से शायद तक मेरे जीवन से अब धीरे धीरे ख़त्म होते जा रहा है। एक रिसेंटली छोटी सी बात बताना चाहता हूँ आपको। आज ही मैं जैसे उतरा तो मेरे बैक ऑफ द माइंड पीछे बहुत सारी चीज़ें चल रही थी। जैसे ही मैंने कदम रखा इस धाम में, कदम रखा, प्रेम का धाम बोलते हैं जिसे हम, मैं सब भूल गया और मैं बस अपनी मस्ती में, मैं मुझे अभी भी कुछ याद नहीं है, वो शायद मुझे आगे भी कुछ याद नहीं रहेगा, बस यही कामना है मेरी। तो बहुत अच्छा लग रहा है। आपके जीवन में कुछ बदलाव आया? बिल्कुल, मैं क्या ना, मैं जब से गुरुजी के सत्संग में मेरी बड़ी इच्छा थी कि मैं जल्दी जाऊँ, इतना खिंचाव हो गया कि मुझसे रहा नहीं गया, कि मैं जल्दी से टिकट बुक करवाया, जैसे तैसे मैं यहाँ आ गया। और जिस दिन मैं 17 तारीख को यहाँ आया हूँ, वैसे इतनी मेरे जीवन में इतनी इंट्रेंस, अभी मेरे 16 तारीख का इंट्रेंस था एमएड का बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी, और जैसे मैं यहाँ वृंदावन में, वैसे मेरी पूरी बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी में 3rd रैंक, अगर जो मैंने कभी सोची, इतनी विशेष तैयारी भी निकली, मैं क्या बताऊँ, मुझे शब्द नहीं कहने के लिए, मैं क्या बताऊँ इस चीज़ के लिए कि कैसी उनके अंकों को है। मुझे एक दिन की मैं घटना बताऊँ आपको, किम बदंती नहीं होगी, कि मैं, मुझे फीवर था बहुत तेज़ी से,
तो मैंने सोचा कि जब गुरुजी की राधा जी इतनी कृपा, गुरुजी की दोनों किडनी नहीं फेल है, फिर भी वो एकदम स्वस्थ रहते हैं। आज अब मैं कुछ नहीं खाऊंगा, मुझे वृंदावन जाना है, मुझे स्वस्थ करना है, मेरे एग्जाम एंट्रेंस लगा है, आपको मैं आप सही करेंगे। मैंने कुछ नहीं खाया, उसी रात सो गया, जिस तरह फीवर में बहुत तेज फीवर, और रात में गुरु जी देखे, छवि देखी गुरु जी की, और एकदम से नींद खुली और सब कुछ गायब, मतलब शरीर पूरा स्वस्थ एकदम। मैं कुछ बता, शब्द नहीं मेरे पास बताने के लिए, कैसा लग रहा है, बड़ा अजीब सा है, मतलब बहुत बदलाव, मतलब बस गुरु जी हैं जो, अब बस आज लेके उन्हीं से, बस उन्हीं का जीवन, उन्हीं जो आदेश करेंगे जीवन, उनके हर एक वचन जीवन में अब अपना लेना है। तो महाराज जी का सत्संग में ऐसा आपने क्या देखा जिसके कारण आप महाराज जी का सत्संग सुनना स्टार्ट किया? उनके उसमें ये देखा है कि आप विश्वास, सबसे बड़ी चीज विश्वास होती है, आपको मानना पड़ेगा कि राधा है, और राधा जी तो हैं, और उनकी जो भक्ति की जो लीला हैं, और जो मैंने सारे काम करे हैं, मैं खुल के बोलना चाहूँगा मैंने सब गलत हुए हैं, लेकिन जो पिछले 2-3 सालों में और जो महाराज जी के आने से जो हुआ है चेंजेस, उसका वर्णन शायद शब्दों में तो नहीं हो सकता, वो भाव ही हैं शायद, वो कभी निकले तो निकले, शब्दों में उसका वर्णन नहीं कर सकता मैं उसे। तो फिर आज महाराज श्री के दर्शन करने के लिए कैसे आना हुआ? बस रहा नहीं गया, बस अब उनके दर्शन हो जाए, किस तरह से बस उनके चरणों की राज मिल जाए। अब कितने बजे से लाइन पे खड़े थे आप लोग? मैं आ गया था ये फिर 10 बजे के लगभग समथिंग आ गया, मैं मेरे मामा जी भी सब लोग आए हैं, सब मतलब सब लोग दर्शन किए, सब थक गए, वो कहने कोई तैयार नहीं हुए, मैं अकेला, मैं उनसे होटल में बाथरूम में रुके हूँ, मैं बस मुझे जाना है, बस जाना है, मैंने माँ जी फोन किया, मैं जा रहा हूँ, कहने तुम जाओ जैसा भी हो, सब लोग कहें, मैं तो पहले ही बार दर्शन गुरु जी के दर्शन करें, कुछ लोग बोले कि यमुना नदी के कारण वहाँ दर्शन नहीं हो रहे, तो मैं एकदम से अंदर से टूट गया, मुझे सब मैं ये सोच कहते पहले सबसे पहले गुरु जी के दर्शन, बाद में बाकी भी आए जाऊँगा, लेकिन ऐसे क्या ऐसे डरवा दिया कि वहाँ से गुरु जी निकल ही नहीं रहे, मैं उनको भी पीड़ा होती है जब ऐसा जाते हैं लोग, तो मुझे लगा ऐसे नहीं, फिर और अच्छे से पता किया, मैं उनके चलिए जब से दर्शन कर लेते हैं, आज बरसाना नंदगांव हो क्या है, बस जैसे लगा मुझे लगा कि जाना है, अब पता जो भी होगा देखेंगे, जो से जो नाव होगी नाव चल नाव में करके जाएंगे, लेकिन अगर दर्शन होगा तो करके आऊँगा। Thank you.